तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मुझे पता है कि ये व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं पे जा ही नहीं रहा था घूमने के लिए, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। और इस वाले व्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग बाकी व्लॉग्स की तरह ये वाला व्लॉग भी इंजॉय करना, क्योंकि मैं आज के व्लॉग में जा रहा हूँ दिल्ली वर्सेज GT का मैच देखने के लिए स्टेडियम। तो अभी मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे तक मैं अरुण जेटली स्टेडियम पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वहीं पर मैच होने वाला है। तो स्टेडियम जाने के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि हमें मेट्रो से जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। और मैं यहाँ पर अभी मैप देख रहा हूँ, और स्टेडियम जाने के लिए यहाँ से मैंने मेट्रो की टिकट भी ले ली है। तो चलो अभी चलते हैं, मेट्रो का इंतजार करना पड़ेगा ना हमें थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर अभी मैं उड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी दे रखी है, तो मैं सीढ़ी से जाऊंगा। और अभी मैं मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ, तो आप लोग देख लो मेट्रो भी चल चुकी है। और अभी मेट्रो खाली है तो मेरे को सीट भी मिल चुकी है, क्योंकि मतलब कि जब भी मेट्रो में करते हैं ना ट्रेवल तो मिलता ही नहीं है कभी कभार सीट, तो सीट मिल चुकी है, तो अभी हमारा स्टॉप आने ही वाला है। तो गाइज अभी हम लोग मेट्रो से उतर चुके हैं, और यहाँ पे मैं मंडी हाउस में उतरा हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी हमको आगे जाने वाली मेट्रो पकड़नी पड़ेगी ना। तो अभी मैं यहाँ पे मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, तो अभी मेट्रो आने वाली है, क्योंकि मुझे आवाज़ भी आ रही है। तो चलो गाइज अभी मेट्रो आ चुकी है, और यहाँ पे भाई काफ़ी भीड़ लग रही है मेट्रो के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े और अभी हम लोगों को यहाँ पर खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भीड़ है ना मेट्रो में, तो बैठने की जगह है ही नहीं। और अगर गलती से सीट खाली हो जाती है तो हमारे प्यारे सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वो सीट हमेशा के लिए बुक कर रखी है, तो हम लोग जाकर भी नहीं बैठ सकते। तो अभी हम लोग अरुण जेटली इस स्टेडियम पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिफ्ट मतलब कि वो चलने वाली सीढ़ी होती है ना मशीन वाली, तो अभी यहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ। और देखो ये जो लोग हैं ना, ये सभी के सभी जा रहे हैं स्टेडियम के लिए, आए हैं सभी मैच देखेंगे। तो गाइज अभी मैच देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा स्टेडियम की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग स्टेडियम आ चुके हैं, और हमारा गेट नंबर 17 है, क्योंकि हमारे टिकट में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे 17 गेट की तरफ, लेकिन उससे पहले ये जो एक्सरे मशीन है ना, इसमें ना हमारे सामान की जाँच होगी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गेट नंबर 17, तो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं। तो अभी हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं, तो ना अभी देखो हाँ हमें एक भैया झंडा दे रहे हैं, तो अभी हम उनसे झंडा ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली को सपोर्ट करेंगे ना। तो अभी हम लोगों ने झंडे के साथ दिल्ली का भी ले लिया शर्ट, जिस पे दिल्ली का लोगो बना हुआ है, क्योंकि मैं दिल्ली को करूँगा ना सपोर्ट, तो ये चेयर करने के लिए मैंने इस वाले शर्ट को पहन भी लिया है। तो चलो यार अभी चलते हैं स्टेडियम की तरफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं स्टेडियम के अंदर पहुँच चुका हूँ, और देखो अभी धूप है थोड़ी बहुत, तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो ना अभी जो प्लेयर्स है ना वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी 7:20 पर ये वाला मैच शुरू होने वाला है, तो अभी थोड़ी देर और हमें वेट करना होगा। We'll be right back.
तो गाइज अभी हम लोगों ने दिल्ली की पूरी बैटिंग देख ली है और गुजरात टाइटंस के अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 10 ओवर का मैच देखकर अभी आ चुके हैं, क्योंकि अगर हम लोग मैच के आखिर में जाएंगे ना तो मेट्रो में ना बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, तो गाइज हम लोग मतलब कि अच्छे से नहीं आ पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग पहले निकल रहे हैं। नहीं तो फिर मैच खत्म होने के बाद ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और अगर आप लोगों को अभी तक यहाँ का ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अभी मैं यहाँ पे मेट्रो का इंतजार कर रहा हूँ, जो कि बाकी का पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी हो चुकी है। तो अब बाय, मैं यहाँ पे घर पहुंच चुका हूँ, तो अब मिलेंगे अपने फिर किसी नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अब बाय।